अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं सब लोग आएंगे, मेरे पीछे देख सकते हैं शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गा, कार्तिकेय, गणेश, उसके बाद और भी बहुत सारे और दुर्गा मैया के नीचे पैरों तले मतलब जो असुर है, असुर को मतलब नीचे पैरों तले रौंद रहे हैं दुर्गा मैया, उसके बाद देख सकते हैं तो बहुत ही गाइस। अभी हम आगरतला के सबसे बड़े जो मतलब दुर्गा के फेस्टिवल के जहाँ सबसे बड़े पैंडल होंगे वहाँ हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे क्या बन रहा है, क्या का है इसमें, तो पैंडल सब दिखा देंगे आपको। और देख सकते हैं नेताजी सिंह बनकुमारी का सबसे बड़ा जो मतलब दुर्गा फेस्टिवल यहीं पर होता है, देख सकते हैं अभी हम एंड रिकॉर्ड। तो गाइस अभी हम आगरतला के मठ चौमनी पर आ गए, यहाँ से शुरू हो जाएगा अभी दुर्गा पूजा का, जो बड़े बड़े पैंडल यहाँ पर ही बनते हैं गाइस, अभी दिखा दूंगा। तो गाइस अभी हम देशबंधु चित्तरंजन क्लब के यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा शिवजी का मतलब मंदिर वगैरह कुछ बनाया गया, कारीगर दोस्तों कलकत्ता से आए, तो उनसे पूछा जब परमिशन के लिए तो उन्होंने तो हाँ बोल दिया, बट उन्हें ज़्यादा पता नहीं, बट इतना पता है कि यहाँ पर शिव जी का कुछ बहुत ही बड़ा बनेगा बाहर, और देख सकते हैं देखिए मेरे पीछे शिव जी का बहुत बड़ा यहाँ पर दोस्तों जो है बैंक। तो गाइस अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे अंदर का मतलब नज़ारा कैसा दिखता है और कितना सुंदर और क्या बनाया जा रहा है अंदर से, और दुर्गा मैया की मूर्तियां है या फिर मतलब बाद में लाया जाएगा, हम अंदर जाके एक्सप्लोर करने वाले, देख सकते हैं बहुत ही विशाल का ये बना है दोस्तों, अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। गाइस जो भी बनेगा यहाँ पर बहुत ही विशाल का है, बहुत ही विशाल का है, तो आप इसे तो एक्सप्लोर कर लिया, आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और देखेंगे बाहर जाकर और क्या क्या मतलब पैंडल है। तो गाइस अभी हम हैं एमबीबी क्लब के दुर्गा पूजा पैंडल में, यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं बना है, बस ठीक ठाक है जैसा दिख रहा है, लग तो रहा है सब ठीक ठाक है, काफ़ी बड़ा भी नहीं है और काफ़ी छोटा भी नहीं है ऐसा लग। इस पैंडल पर क्या बनेगा ये तो पता नहीं, पर कुछ दिनों बाद आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं राम ठाकुर संघ पर, जो मतलब वैल्यू एंड वैरायटी इसके सामने ही पड़ता है, अब इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या मतलब बनाया जा रहा है इसमें। तो गाइस इसमें जो पैंडल में मतलब प्रतिमा लाएंगे वो बाहर से नहीं, वो अंदर ही बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा है, ऊपर देख सकते सिर्फ बाहर से दिखेंगे आपको चारों तरफ, तो मेरे पीछे देख सकते जो बड़े बड़े प्रतिमा है मेरे पीछे बनाया जा रहा है, ये देख सकते। तो गाइस देख सकते गणेश, लक्ष्मी, उसके बाद दुर्गा मैया और नीचे सिंह पर, और नीचे देख सकते हैं जो असुरों को वध कर रहा है, उसके उस तरह को कार्तिकेय और देवी देवताएं दिखेंगे आपको। तो गाइस इतने देर से मुझे ही बंदा हेल्प कर रहा था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन अभी उसे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमें दोस्तों पैदल ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हम जैम में फंस जाएंगे। तो दुर्गा पूजा तो अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा पूजा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तैयारी चल रहा है विश्वकर्मा पूजा के लिए। यहाँ पर दोस्तों मार्केट भी बहुत बड़ा लगा हुआ है, फल से सब्जियाँ तक यहाँ पर सब मिलेंगे, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे इस मार्केट को मतलब आपको एक हफ्ते से ऊपर लग जाएगा, एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा है, मतलब कोने कोने मतलब कहीं भी जगह नहीं है यहाँ पर दुकान लगाने के लिए, फल से लेकर सब यहाँ पर है, देख सकते हैं चारों तरफ आपको बस दुकान ही दुकानें देखेंगे। अभी हम गाइस एमजी बाजार के सामने हैं और यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा दोस्तों पैंडल बनाया जा रहा है, क्या बनाएगा अभी तो पता नहीं, पर अंदर जाके पता चलेगा, अभी हम अंदर एक्सप्लोर करेंगे जाके। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे, अभी दिख रहा है सब बिखरा हुआ है, लेकिन एक दो हफ्ते में पूरा तैयार हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रतिमाएँ जो है बाहर से नहीं अंदर ही बनवाया जाएगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा बना रहा है, क्योंकि इस पैंडल के तैयार होने के बाद ये मतलब प्रतिमा शायद अंदर नहीं आ पाती, टूट जाती, तो इसलिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी हम बाहर निकल जाएंगे, इसे तो एक्सप्लोर कर लिया। अब यहाँ पर विघ्नेश्वर राजा पूजा कमेटी की ओर से यहाँ पर बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर, अब तक के मुझे सबसे सुंदर यही लगा, मतलब ये तो डिज़ाइन हो गया इसलिए सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। और दूसरे जो देखे थे वहाँ पर डिज़ाइन नहीं हुआ, लेकिन इंटीरियर बहुत बड़ा है, तो वो भी हाल फिलहाल में तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी इसका देखिए बहुत ही सुंदर दिखने में ही लग रहा है, और पूरा तैयार होने के बाद तो मतलब बहुत ही और भी सुंदर लगेगा, देख सकते हैं। और कुछ ही दिनों का इंतज़ार, उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं पूजा देखने के लिए दुर्गा फेस्टिवल पे, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और बहुत मतलब उसमें जो कलर दिया गया है डिफरेंट कलर है, तो इसलिए और भी ये चमकदार लग रहा है, और पूरा तैयार होने के बाद और भी सुंदर लगेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को।
तो गाइस MRGB के यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो पैनल बन रहा है इसे भी हम दिखा देंगे अभी थोड़ी देर में ही, और जो है उससे सामने ये देख सकते हैं यहाँ से शुरू। तो गाइस अभी तक के शांति पड़ा के इतिहास में जो मतलब इतिहास ये बदल देगा, हिस्ट्री चेंज कर देगा ये इस बार जो 2020 का दुर्गा जो फेस्टिवल पे ये जो पैंडल बन रहा है बहुत ही विशाल का है। क्या बन रहा है मुझे नहीं पता, अंदर जाके पता करेंगे, लेकिन जो भी बन रहा है बहुत ही अच्छा बन रहा है। मैंने बाहर से पहले ही देख लिया था इसे, अब अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे अंदर क्या क्या है। गाइस सामने बहुत काम चल रहा है या बाकी है, तो हम पीछे से इसे जाके एक्सप्लोर करेंगे ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम पीछे से आ गए हैं, देख सकते, ये देखिए कितना सुंदर है भाई, अंदर पूरा मतलब रेडी है, तैयार हो चुका है फिलहाल, हाल फिलहाल में बन के ये पूरा तैयार हो जाएगा। ऊपर का देख सकते हैं मतलब, ओ भाई कितना बड़ा है ऊपर का, ये देख सकते हैं बहुत ही विशाल का है ऊपर का है। और हमारे पीछे ही देख सकते हैं प्रतिमा बहुत अच्छी तरह बनाया गया है यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह। और ऊपर का मुझे मतलब क्या लग रहा है, क्या बन क्या हो सकता है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, करीब 10:30 बज रहे हैं, और देख सकते हैं मोटर स्टैंड का हालत क्या है, मतलब अभी तक इतने लोग हैं, इतने भीड़ है। तो गाइस 2023 के सबसे छोटा पूजा शायद यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो था, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।